जीजा। ओरा यार ये भालू ये कहां से आई रे भालू? ऑनलाइन से मंगवावा का है। आहा जीजा। अरे ग्वार जीजू। आयो ए जीजा मुई मिर्गी हमें लगी। जीजा जी मोरे साथ ऊपर खतर गए। यहाँ देखो इस तरफ चुड़ैल। क्या बोल रहे हो आप? अरे ये तो चुड़ैल नहीं है, बोला थी। ए सुनो, ये हम सब की दीदी है, इनका नाम देवकी है। सुनो उसमें बोला करो, मालूम है कहाँ पे हो तुम? कहाँ हो? पगडंडी में। ये पगडंडी है? कमरे से बाहर निकाल। ये क्या है? महल। महल है ना, यहाँ पगडंडी कहाँ से आ गई? पगडंडी में होगा बैठा, महल के भीतर घुसे दे देगा ये साले। जीजा किसको साले कह रहे हो? मेरे भाइयों को साले ना कहना भला। खबरदार बुरा भला ना कहना। हाँ बुरा भला ना कहना मेरे भाइयों को। ये को हेमांशु राजपूत कर रही, प्रिंस राजपूत कर रही, 20 रुपया ला रुपया दे मुंह से लो फड़ा नहीं जबरदस्ती। हाँ ये बताओ आप कौन है? मैं अपनी लुगाई का लौंडा। ये क्या हो गया, लुगाई के लड़के हो जाओ? हम अपने पिताजी के लुगाई के लौंडा है। अच्छा हाँ के लड़के हो। हाँ सुनो, एक एक जने बोला ना। ए सुनो आप कौन है? थोड़ी और के चलिए का लो हार होता नहीं बना था मुझे। कौन है आप? मैं हमारे पिताजी कह रहे थे कि तुम अपना नाम ना बताना, इसलिए पहले तुम बताओ। ए सुनो जब मैं घर से आई थी ना तो तब मेरी मम्मी ने कहा था मुझसे, रास्ते में कोई लुच्चा लफंगा कुत्ता मिल जाए तो उसे अपना नाम ना बताना। कितना बेइज्जती के साथ इज्जत कर डाले। इज्जत के साथ बेइज्जती कर दिया। अच्छा तो ऐसा कह रहे थे बताओ तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? तुम्हारी मम्मी? मम्मी मेरी कह रही थी अनजान कोई रास्ते में लुच्चा लफंगा कोई लड़का मिले तो अपना नाम ना बताना, इसलिए तुम बताओ पहले अपना नाम तब बताऊंगी। उसकी भाषा सुना? हाँ सुना। मेरी मम्मी ने कहा था कोई रास्ते में लुच्चा लफंगा लुच्चा लफंगा। ये लुच्चा कह दी, लुच्चा नहीं के बहुत ही ऐसे मैं पिताजी कह रहे थे। क्या रास्ते में कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे बेटा हो। हो कह रहे थे। बउआ हो। हो गिदरना हो। गिदरना छौना हो। अच्छा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि रास्ते में कोई लड़की लुची। अच्छा जीजा पहले बीच में टपक पड़ी ना जिस जिनका ना कुछ कह दे मना कहियो तो भाग जा। यार ये कौन सेटिंग नहीं हो देता। क्या कह रहे थे? मैं सोच रहा था कि यही से जो अरे तुम बताओ उनके चक्कर में ना पड़ो। तो कोई रास्ते में लड़की मिल जाए तो अपना नाम न बताना, इसलिए लेडी जस्ट इन द फर्स्ट। मेरा नाम जानते हो क्या है? क्या है? बिजली। और देखें हमारे आदरणीय श्री पवन राजपूत जी ठेकेदार महोदय, ये इनके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं रिकॉर्डिंग में। और भैया बिल्कुल समय मिलेगा तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी भाई। हमारे आदरणीय पवन राजपूत जी ठेकेदार महोदय हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली नाम है मेरा। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम है बिजली। हाँ मेरा भी बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? तुम्हारा नाम बिजली। हाय दैया तो मेरा नाम है पावर हाउस। ये मेरा नाम नहीं, मजाक कर रही थी। तो मैं कौन हरिश्चंद्र की औलाद हूँ जो सही बोलो? मेरा नाम जानते हो? मैं भी मजाक कर रहा था। मेरा नाम है चॉकलेट। बड़ा अच्छा नाम है चौक चौक फिलेट। तुम्हारा नाम है चॉकलेट। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है पंपलेट। पंपलेट आमलेट? नहीं पंपलेट। ये नहीं मेरा नाम नहीं। चलो मेरा भी नाम नहीं है, तू बता। ए भालू बोलती है बोलती है।
नहीं ठीक है, वो कश्मीर में घुसी है ना। हाँ समय पर चलो, समय ना बर्बाद करो। तो तुम्हारा अच्छा एक अरे अपना नाम बताओ तुम। मेरा नाम मुक्ता। मुक्ता जी? हाँ जी। आपका नाम मुक्ता है ना? हाँ मुक्ता। हाँ मुक्ता नहीं, क्या नाम है आपका? मुक्ता। मुक्ता जी हाँ ठीक है, आप कलयुग के लिए आए हैं, नाई है ना? लाओ सानी पर सो। आप नाई है? मैं नाउन हूँ। हाँ सुनो, तुम अपने डिपार्ट को बुलाना। मैं अपने डिपार्ट को बुलाऊंगी क्योंकि राम जी कलयुग के लिए रिसाए हुए हैं। ए जीजा ऑपरेशन करवा ले, बहुत खुजली हुई है। पीछे बड़ी खुजली होती तुम्हारे, कपड़े धुल के नहीं पहनते हो क्या जीजा? बुलाओगे? बुलाता हूँ, देखना मेरे भाई बंधु ज्यादा आएंगे। अरे मेरी माता बहने ज्यादा आएंगे? नहीं मेरे भाई बंधु ज्यादा आएंगे। अगर मेरी माता बहने ज्यादा आई तो? अगर मेरे भाई बंधु आ गए तो? अगर मेरी माता बहने आ गई तो? मेरे भाई बंधु ज्यादा आ जाएंगे ना तो जानते हो क्या करवाऊंगी तुमसे। मेरे भाई बंधु ज्यादा आ जाएंगे तो मैं तो ब्याह कर लूंगा। लग गई सर। और देखिए हमारे चलो शिवम जी, मैं तुमसे ब्याह कर लूंगी। रुक जाओ शिवम जी, संगम मुखिया और सोनू मुखिया जी उमरिया वाले, आपकी ओर से 101 मुद्राओं से भगवान को कलयुग कराया गया, भगवान इनका अखंड कल्याण करे। महू का कमेटी वालों, महू को मना ले। साले तुम्हारे बैठे करही से तुम मिलिया गैलू, फूफा का मेला घुमैलू, बता फिर काका कैलू। ए बुलाओ, मैं बुला रही हूँ। हाँ अशोक भैया बुला तो ले। आओ पहले बुलाता हूँ, सब लोग तैयार रहना मेरे भाई बंधु, कब ना आना भलो। मेरी माता बोले सभी लोग आना। हाँ ये चाहे ना हुए। अच्छा जबरदस्ती नहीं आएंगी, ये भी आएंगी तो भड़काओ नाम को। बुलाओ अम्मा, जैसे जैसे तुम कहोगी वैसे वैसे कहना है। पप्पा ओ, चाची ओ, चाचा ओ, दाई ओ, दादा माई हो, मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, चिची हो, अजीज। कहो 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 जीजा। इनका जीजा कह दूंगा का? कहो ना। क्यों ना कहोगे, कहना पड़ेगा। मिथिल नगरिया में आए हैं। ये भाई बंधु तुम लोग कम ना रहना, हर साले का काम है, देखो कहना ना पड़े। राम जी और मुस्का सब लोग मनाओ। आए हमारी माता बहने, सर्वप्रथम काम हमारी माता बहनों का है। जब किसी के घर में दूल्हा रूठ जाता है तो हमारी माताएं बहने दूल्हे सरकार को मनाती हैं, उन्हें कलयुग करवाती हैं। तो अपने हाथों से भगवान को कलयुग करवा में। ऐसा की ये गाड़े का पहिया काहे का ले? गाड़े का पहिया नहीं है हमारे। और देखिए ज्यादा समय ना लेंगे, ये एक स्थल होता है श्री राम कलयुग की, ये पावन लीला आप लोग देख रहे हैं। माताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग आए क्योंकि ये माताओं का स्थल है। और मैं समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, यद्यपि मैं सब लोगों के नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे आदरणीय अजय राजपूत जी और हमारे आदरणीय ब्रजेंद्र भाई जी और हमारे आदरणीय भाई यहाँ शिवपाल भाई तो यही है, यूट्यूब लेकर ये जाएंगे कहाँ, और हमारे ब्रजेंद्र भैया और हमारे भोला भैया जी और हमारे जितने भी सदस्य हैं अजय राजपूत, चलिए जितने लोग हैं नाम नहीं है। और हमारे अशोक भैया और हमारे दाऊ भैया, यद्यपि हो सकता है कि यहाँ पर न हो लेकिन हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चले सभी लोग उनके साथ में, हम सब लोग हमारी माता बहने सर्वप्रथम आवे। ऐसा हाँ। नहीं है कि केवल समिति ही आवे, जितने आप लोग भाई बंधु बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, और जितनी माताएं बहने हैं, भाई बंधु बुजुर्ग, जितने ये काम वैसे माताओं बहनों का हो